Okay, class 2, now open your science book. We started the revision of unit 2, the animal world, in which we do page number 14 and 15, in which we say the scientists say that if I could be a different animal, I will be a giraffe. Then he say why reason बताया उसने कि with a neck so so long I could see over high walls. वो इसलिए कहा कि मुझे जिराफ होना पसंद होता कि अगर मैं जिराफ होता तो मेरी नेक जो है वो लॉन्ग होती और मैं ऊंची दीवारों से देख सकता. देन ही से और मे बी आई विल बी अ लायन. देन ही से और परहैप्स आई विल बी अ बर्ड. सो ही से हाउ गुड इट विल बी टू फ्लाई. और यहाँ पे आप लोग के लिए एक एक्टिविटी थी कि आप लोग क्या होना पसंद करते अगर आप ह्यूमन ना होते. So draw the feature of those animals which you will be want to be. Okay, now come to page number 16. We have the topic differences in the animal world. जानवरों की दुनिया में differences हैं. एक जानवर दूसरे जानवर से मुख्तलिफ है, अपने skin type से भी, अपने skeleton से भी, और अपनी कलर, साइज, शेप, हर चीज़ में एक एनिमल दूसरे एनिमल से डिफरेंट है. सो साइंटिस्ट पुट एनिमल्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, दिस मेक इट इजियर टू स्टडी देम. वी ऑलरेडी डू दिस टॉपिक, सो वी डू अगेन. टू वेज दैट साइंटिस्ट ग्रुप एनिमल्स आर, हमने पढ़ा था कि साइंसदानों ने जानवरों को स्टडी करने के लिए इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया था. The first one is the type of skeleton they have. जानवरों की skeleton के बारे में कि उनका skeleton का type कैसा है. कुछ जानवरों की skeleton उनके अंदर होती है और कुछ की जो है वो उनके बाहर ही होती है. So one group is this. The next group is how they control their body temperature. दूसरा ग्रुप जो उन्होंने स्टडी के लिए डिवाइड किया था वो था बॉडी टेम्परेचर, कि एक जानवर जो हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करते हैं. इसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर हॉट वेदर है तो उनका बॉडी टेम्परेचर कैसा होता है, और अगर कोल्ड टेम्परेचर है तब कैसा होता है. ये सब हम अभी हम आगे फिर दोबारा से रिवाइज करेंगे. टाइप्स ऑफ स्केलेटन पे आ जाते हैं. पहला ग्रुप जो है, Some animals have a skeleton inside their body, जो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ. Humans have a skeleton inside their body, so do fish, reptiles and amphibians and birds. This is called an exoskeleton. इंसानों की भी skeleton उनकी बॉडी के अंदर ही होती है, तो इसी तरह मछली की, reptiles रेंगने वाले जानवरों की, और amphibians. रेप्टाइल्स वो जानवर हैं जो सिर्फ ज़मीन पे ज़िंदा रहते हैं, और एम्फीबियंस वो जानवर हैं जो ज़मीन पे भी ज़िंदा रहते हैं और पानी में भी. रेप्टाइल्स की एग्जांपल में हमारे पास आता है स्नेक, लिजर्ड एक्सेट्रा. एंड एम्फीबियंस में हमारे पास आते हैं फ्रॉग, क्रोकोडाइल एंड बर्ड्स. इन सब की जो हैं, ये जो इन्होंने बताए हैं, इन सब के स्केलेटन इनके इनसाइड मतलब अंदर होते हैं. दिस इज कॉल्ड एन एंडोस्केलेटन. और जिन जानवरों की स्केलेटन जो है वो उनके अंदर होती है, जैसे कि ये देखें, दिस इज द स्केलेटन ऑफ ह्यूमन, दिस इज द स्केलेटन ऑफ ऑस्ट्रिच, दिस इज द स्केलेटन ऑफ फ्रॉग एंड दिस इज द स्केलेटन ऑफ फिश. सो दीज ऑल आर एंडोस्केलेटन. एंडोस्केलेटन इनको नेम दिया गया. Then we have page number 17. In page number 17, some animals have a skeleton on the outside of their body. कुछ जानवरों की जो है skeleton वो उनकी body के बाहर होती है. It is an exoskeleton. Exo means बाहर, okay? An exoskeleton is a hard covering that is also called a shell. Exoskeleton जो होता है वो एक सख्त कवर होता है शेल की तरह. इट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी ऑफ सम टाइप ऑफ एनिमल. ये जो एक्सोस्केलेटन वाले जो एनिमल्स होते हैं, इसमें हमारे पास स्पाइडर है, आंट है, इस तरह के जो एनिमल्स हैं ये, और जितने भी इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स एंड शेल फिश हैव अ स्केलेटन ऑन द आउटसाइड ऑफ देयर बॉडी. ओके, नाउ दिस इज द शॉर्ट एक्टिविटी. डज अ स्नेक हैव एन एक्सोस्केलेटन? कहते हैं क्या स्नेक जो है वो एक्सोस्केलेटन है, इट मीन्स कि इसकी आउटसाइड पे है स्केलेटन. हिंट आप लोग को दी हुई है, इट इज़ अ रेप्टाइल। ये रेप्टाइल है, रेंगने वाला जानवर है। सो नो, द स्नेक इज एंडोस्केलेटन, इट्स स्केलेटन इज इनसाइड देयर बॉडी। ओके, इसी तरह हमारे पास स्कॉर्पियो जो है वो भी हमारे पास एक्सोस्केलेटन में आता है। क्वेश्चन आंसर हम अपने नोटबुक्स में कर चुके हैं और जिन्होंने नहीं किया तो वो जून के टास्क में से कर लें। नाउ कम टू पेज नंबर 18। इन पेज नंबर 18 वी हैव सेकंड ग्रुप विच इज बॉडी टेम्परेचर। डू यू नो व्हाट टेम्परेचर इज? क्या आप लोग को पता है टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर हीट को कहते हैं, हरारत को कहते हैं। हर चीज़ की एक टेम्परेचर होती है। इसी तरह हम इंसानों की भी टेम्परेचर होती है, जानवरों की भी होती है, और वो हॉट और कोल्ड कंडीशन में किस जानवर का किस तरह होता है ये आज हम पढ़ेंगे इसमें। ओके, टेम्परेचर इज़ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज़। टेम्परेचर जो है ये बताता है कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा गर्म और कितनी ज़्यादा ठंडी है, ये सारा कुछ टेम्परेचर है। टेम्परेचर हमें सर्द और गर्म के बारे में बताता है। सो और टेम्परेचर को चेक करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कहते हैं थर्मोमीटर, जो मैं अभी आगे आपको बताती हूँ। सम एनिमल्स कीप देयर बॉडी टेम्परेचर द सेम। कुछ जो जानवर होते हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर एक जैसा रखते हैं। देयर टेम्परेचर डज नॉट चेंज इन वेरी कोल्ड कंडीशन। उनकी जो टेम्परेचर है बॉडी की वो चेंज नहीं होती, चाहे जितनी भी ज़्यादा सर्दी हो, कोई भी हालत हो सर्दी की। देयर टेम्परेचर डज नॉट चेंज इन वेरी हॉट कंडीशन। और अगर हालत गर्मी की भी हो तो उनकी बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होती, वो यकसा यानी एक जैसा रहते हैं। दे आर नॉन एज वॉर्म ब्लडेड एनिमल। और इस तरह के जो जानवर होते हैं जो गर्मी और सर्दी दोनों में अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं करते, एक जैसा रखते हैं, ऐसे जानवरों को वॉर्म ब्लडेड यानी गर्म खून वाले जानवर कहा जाता है। ह्यूमंस आर वॉर्म ब्लडेड। हम इंसान जो हैं हम भी तो एनिमल्स ही हैं, एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। बट वी हैव सोशल एनिमल्स, हमें अल्लाह ने सोच दी है, शऊर दिया है। सो वी आर वॉर्म ब्लडेड एनिमल्स। वॉर्म ब्लडेड, हमारा भी खून गर्म है। इट मीन्स कि हमें गर्मी और सर्दी में हमारा टेम्परेचर एक जैसा रहता है। सो आर बर्ड्स। इसी तरह परिंदों की भी टेम्परेचर चेंज नहीं होती, सर्दियों और गर्मियों में इनकी टेम्परेचर सेम रहती है। देखें, इस इधर सर्दी है तो हमने गर्म चीज़ें पहननी, तो मतलब इट मीन्स कि सर्दियों में हमारी बॉडी को गर्म चीज़ों की ज़रूरत है। और गर्मियों में देखें, इधर बच्चों ने समर क्लोथ पहने हुए हैं और समर में हम समर के मुताबिक ड्रेस पहनते हैं। इस तरह हमारा बॉडी टेम्परेचर इन दोनों मौसमों में सेम रहता है। हाँ, वो अलग बात है कि जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमें टेम्परेचर हो जाता है, तो उसमें हमारा बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाता है। सम एनिमल्स चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर एज द टेम्परेचर अराउंड देम चेंजेस। और कुछ जो जानवर होते हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज कर देते हैं अगर उनकी इर्द गिर्द जो है मौसम चेंज हो जाए। जैसे हम इंसान सर्दियों में, क्या हमें बुखार हो जाता है सर्दियों में? नो, हमें सर्दियों में बुखार तो नहीं होता, हमारा बॉडी टेम्परेचर बराबर होता है, सेम रहता है। इसी तरह गर्मियों में शदीद गर्मी होती है, क्या हमें सर्दी लगती है गर्मियों में? नो, ऐसा नहीं है, हमें गर्मियों में गर्मी ही लगती है और सर्दियों में हमें सर्दी ही लगती है। लेकिन कुछ जानवरों को अगर सर्दियाँ हो जाती हैं तो उनको गर्मी लगना शुरू हो जाती है। तो इस तरह के जो जानवर होते हैं ये इसमें लिजर्ड जैसे आ जाता है। जैसे कि लिजर्ड जो है वो हॉट वेदर समर में निकलते हैं और जब सर्दियां आ जाती हैं तो वो ख़ुद को किसी भी होल में छुपा देते हैं। दीज एनिमल्स आर नॉन एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल। और इस तरह के जो जानवर होते हैं इनको सर्द खून वाले जानवर कहा जाता है। इसमें हमारे पास आ जाते हैं रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड फिश आर कोल्ड ब्लडेड। जैसे कि रेंगने वाले जानवर एम्फीबियंस, जैसे कि फ्रॉग, क्रोकोडाइल्स और फिश, ये सारे जो है हमारे पास कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। रेप्टाइल्स में हमारे पास लेजर भी आता है ना, तो ये लोग बॉडी टेम्परेचर अपना चेंज कर देते हैं। ये जो लिजर्ड वगैरह होते हैं ना, ये गर्मियों में इनको ठंड महसूस होता है इसलिए ये लोग निकल जाते हैं, और जब सर्दियाँ आती हैं तो इनको गर्मी महसूस होती है तो ये लोग चुप जाते हैं ख़ुद को गर्म करने के लिए। ओके, ये देखें यहाँ पे डॉक्टर जो है इस बेबी का टेम्परेचर चेक कर रही है। ये जो इंस्ट्रूमेंट ये जो इसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, दिस इज़ द थर्मामीटर, इससे हम अपना टेम्परेचर चेक करते हैं। कभी आप लोग डॉक्टर के पास जाएं तो उसके पास भी ये चीज़ होती है। Who are we? Our skin is covered with scales. We are cold blooded. यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोगों ने गेस करना है कि ये कौन है। कोल्ड ब्लडेड है वी ले एक्स, हम वो कह रहा है कि हम अंडे देते हैं। वी आर रेप्टाइल्स, और हम रेप्टाइल्स हैं। कैन यू नेम सम ऑफ अस, क्या आप हमें से किसी एक का नाम बता सकते हैं? येस वी नेम lizard, snake, these all are cold blooded and reptile animals and they also lay eggs. So here is another question. We live on land and also in water. कहते हैं हम ज़मीन में भी रहते हैं और पानी में भी। मैंने बच्चों आप लोग को पहले ही बता दिया था कि एम्फीबियंस होते हैं वो जानवर जो कि ज़मीन में भी ज़िंदा रहते हैं और पानी में भी। वी आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये कोल्ड ब्लडेड हैं। वी डोंट हैव स्केल्स ऑन आवर स्किन, लेकिन हमारी स्किन में स्केल्स नहीं हैं। सो वी आर एम्फीबियंस। कैन यू नेम सम ऑफ अस, क्या आप हम में से किसी एक का नाम बता सकते हैं? येस फ्रॉग, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा। ओके टेक योर टेम्परेचर, यहाँ पे अपना आप लोगों ने टेम्परेचर चेक कैसे करना है। आस्क अ एडल्ट टू हेल्प यू, किसी बड़े से कहें कि आपकी मदद करे। टेक योर टेम्परेचर इन अ वार्म प्लेस, किसी भी गर्म जगह पे जाएं और वहाँ पे अपना टेम्परेचर नोट करें। ऑन द सेम डे, और उसी ही दिन, आस्क एन एडल्ट टू हेल्प यू टू टेक योर टेम्परेचर इन एन कोल्ड प्लेस, और उसी दिन ही किसी सर्द जगह पे जाएं और अपने उस बड़े से कहें कि उधर भी आपका टेम्परेचर चेक करें। जैसे कि आजकल गर्मियाँ चल रही हैं ना, तो एसी वाले कमरे में चले जाएं। योर टेम्परेचर शुड बी द सेम इफ़ यू वर कोल्ड ब्लडेड, आपका जो टेम्परेचर जो है वो एक जैसा होगा एसी वाले रूम में भी और बाहर गर्मी में भी, क्योंकि आप लोग क्या हो। और अगर आप लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स मतलब कोई किसी कोल्ड ब्लडेड एनिमल का चेक करने अपने निस्बत, योर टेम्परेचर विल बी वेरी डिफरेंट, तो उनका टेम्परेचर डिफरेंट होगा आपसे। ये क्वेश्चन आंसर हमने नोटबुक्स में करने हैं, ये ब्लैंक्स में आप लोग को करवा चुकी थी। यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 10 ख़त्म होता है, रिवीजन ऑफ यूनिट 2 यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें नेक्स्ट लेक्चर तक। नेक्स्ट लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 11 का होगा, जिसमें हम अपना न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि है प्लांट वर्ल्ड के बारे में। टेक केयर।